यस वेल जनाब, हेलो टू ऑल ऑफ यू। सिराज एक दफे पर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुका है एक नई वीडियो के साथ। ऑब्वियसली मेरी वीडियो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, सो आज जो हम वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है जी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली रोकड़ा। रोकड़ा तो है ही है, पैसे तो इंपॉर्टेंट है ही है। हम पैसे के नहीं हुए तो आप कनाडा कैसे आएंगे। खैर, कुछ प्रोग्राम ऐसे नहीं है जिसमें आपको कम ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। हमारी वीडियोस देखते रहा करें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो ये जो पैसे हैं जो रोकड़ा है वो ज़रा कम चाहिए होता है। बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप लैंड होते हैं तो आपको चाहिए होते हैं, आपके पास होने चाहिए या जल्द से जल्द आपने बनवाने होते हैं। इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स में जनाब नंबर वन पे आता है सिन नंबर, सिन कार्ड, नंबर टू पीआर कार्ड, नंबर थ्री हेल्थ कार्ड, नंबर फोर आपका लाइसेंस, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस, और नंबर फाइव आपका बैंक अकाउंट, और नंबर सिक्स है आपका हेलो हेलो बोल के राइट, सो यानी मोबाइल नंबर। सो बात करते हैं अब हम सिन कार्ड के हवाले से। सिन कार्ड, सिन नंबर क्या चीज़ है? ऑब्वियसली जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी को परसू करते हैं वो ये काफ़ी सुनते हैं कि कार्ड है या नंबर है, ये क्या है। दोनों टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल ठीक हैं। ये एक नाइन डिजिट्स का कम्बिनेशन में एक नंबर है और इशू आपको एक पेपर पे किया जाता है जिसको सम पीपल से कार्ड, सम पीपल से नंबर। टर्मिनोलॉजीज आर सेम डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, टैक्स, आपका बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इस नंबर के साथ जुड़ा हुआ होता है। दैट्स वाई आपको इवन उस पेपर पे भी ये लिखा होता है कि नेवर शेयर इट, आपने किसी को बताना नहीं है अंटिल अनलेस नॉट रिक्वायर्ड। ये आपने पॉकेट में लेके नहीं घूमना, ये आपने संभाल के रखना। इसको बनवाते कैसे हैं? इसको बनवाने के लिए आपको सर्विस कनाडा एक इदारा है वहाँ पर जाना पड़ता है। आप वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अपने पासपोर्ट के साथ, अपने लैंडिंग पेपर्स के साथ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लैंडिंग पेपर क्या चीज़ होती है। लैंडिंग पेपर जो है, जब आप कनाडा लैंड होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, आप वैसे तो लैंड होने से पहले भी जो पीआर पेपर आपको दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड लैंडिंग पेपर, राइट। कुछ लोग उसको पीआर डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। अगेन टू डिफरेंट टू टर्मिनोलॉजीज बट मीनिंग इज सेम। आपने वो लेके जाना है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है। आप वहाँ पे जाके अपना सिन कार्ड आपको मिल जाता है, इशू कर दिया जाता है, संभाल के रखने वाली चीज़ है, राइट। सो हम चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जाने, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पीआर कार्ड। पीआर कार्ड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छी बात है। आपने एयरपोर्ट पे जब आप लैंड होते हैं तो वहीं पे वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने उनको एड्रेस भेजना होता है बाद में कि इस एड्रेस पे हमें पीआर कार्ड भेज दें। वो एड्रेस सबमिट कराने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, एड्रेस सबमिट करेंगे और आपको आपका पीआर कार्ड मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, समटाइम्स आपको ये लेटर या कोई भी फर्दर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये जमा करा दें, वो जमा करा दें, वो आपने करवाना होता है। अपने केस की अगर मैं बात करूँ तो मुझसे उन्होंने तस्वीरें दोबारा मांगी थी मेरी और फैमिली की, सारों की। तो हम गए थे फोटोशॉप में, दोबारा से नई पिक्चर्स खिंचवाई, वो पिक्चर्स हमने इनको भेज दी और फिर हमारे पीआर कार्ड बनकर आ गए। सो आपने कहीं जाना नहीं होता पीआर कार्ड के लिए, जस्ट आपने एक ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, वो जो लिंक मैं दूंगा उसके ऊपर जाके, प्रॉपर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके अपना करंट एड्रेस सबमिट कराना होता है ताकि वो आपको पीआर कार्ड सेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है जनाब अल्बर्टा हेल्थ कार्ड। सो अल्बर्टा हेल्थ कार्ड, ये जितने भी वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं अब वो अल्बर्टा प्रोविंस के हवाले से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको हेल्थ कार्ड के साथ अल्बर्टा हेल्थ कार्ड कह दिया। हेल्थ कार्ड आपका, आपने सुना होगा कि कनाडा में हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री हैं, दिस एंड दैट, ये सारा कुछ। ये कैसे होता है? ये इस कार्ड के थ्रू होता है। जब तक आपके पास ये कार्ड नहीं है आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अस्पताल जाते हैं, आपको रब ना लेके जाए, या कोई इमरजेंसी होती है, रब ना करे के हो, लेकिन आपके पास ये पॉकेट में कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो जनाब, अपने इस कार्ड को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने इलाके की रजिस्ट्री जाना है। ओह, अब ये रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री एक ऐसा ऑफिस है जो हर कम्युनिटी में होता है। वहाँ पर आपके यही हेल्थ कार्ड से रिलेटेड इश्यू, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट, उसकी रिन्यूअल,
और इस तरह अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, उसका नाम रखना है, तो इस तरह के सारे रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो उस ऑफिस में डील किए जाते हैं। और इट्स नॉट अ बिग डील, हर कम्युनिटी में होता है। आप अपनी नियरेस्ट रजिस्ट्री सर्च कीजिए और वहाँ पर आप जाएंगे, आपको जो है इनफैक्ट अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनमें आपको सिम कार्ड लेके जाने हैं, उसमें आपको पी आर कार्ड अगर नहीं बना तो लैंडिंग पेपर्स आप लेके जाने हैं, तो आपका ये हेल्थ कार्ड बन जाएगा। इसको आने में कुछ टाइम लग जाता है, तो इट्स बेटर फॉरन ही वो आपको एक नंबर इशू कर देते हैं, वो आप नंबर एज ए हेल्थ कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड बाद में बनकर आता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, पूरे कनाडा में ऐसा नहीं है कि आप जाते ही पीआर अपना हेल्थ कार्ड बनवा लें। 6 प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनमें अगर आप लैंड होते हैं तो आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ वेरी नेक्स्ट डे हासिल कर सकते हैं, जिनमें अल्बर्टा है, मैनिटोबा है, न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है। सो ये 6 प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर अगर आप लैंड करते हैं तो नेक्स्ट डे। बाकी प्रोविंसेस में क्या होता है, बाकी में ये होता है जब आपको 90 डेज का वेट है, उन 90 डेज के अंदर आपको टेम्पररी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी करवानी होती है कि रब ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप उससे फाइट कर सकें, आपका पर्सनल एक्सपेंस ना हो, इंश्योरेंस पे ऑफ कर दे। सो ये तो था जनाब हेल्थ कार्ड। हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है जी ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कम्यूट के हवाले से जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ड्राइविंग या कम्यूट यहाँ पर आपकी टांगों हैं, आपकी टांगें हैं, आपकी लेग्स हैं। सो इट्स अगेन द सेम थिंग, ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, वेरी सिंपल, आप जाते हैं रजिस्ट्री, कोशिश कीजिए कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। कनाडा में जब आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू लैंड होते हैं वो अगर आपके पास हो तो 90 डेज आप ड्राइव कर सकते हैं, और आप उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस से पहले भी आप ले सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप 90 दिन के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस, नो, आप पहले भी कर सकते हैं। सो रजिस्ट्री जाइए, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सिम कार्ड नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट, सिम कार्ड आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए पीआर डॉक्यूमेंट्स, आपको चाहिए पासपोर्ट, आपको चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, टीनेंसी एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका एड्रेस जो है उसके ऊपर विजिबल हो, वो आप लेकर जाएंगे और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी कड़ी चौट ये बताता चलूँ कि आप कंप्यूटर टेस्ट देते हैं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रोड टेस्ट बुक करवाते हैं, एंड देयर यू गो, आप फिर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल भी नहीं कह सकते, प्रोसीजरल है, थोड़े प्रोसेस से गुजरना है और कुछ नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो गया। लास्ट आपको जो इम्पोर्टेंट एक सर्विस कह लें, डॉक्यूमेंट तो ना कहें, और वो है जनाब बैंक अकाउंट। किस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी में इसलिए नहीं कह सकता, कैश चलता है, वाइट बिल्कुल सही है, फाइन चलता है, लेकिन बैंक अकाउंट होगा, आप जॉब करने जाएंगे, आपको वो कहेंगे सैलरी कहाँ जमा कराएं, आपको बताना पड़ेगा जी बैंक अकाउंट ये डिटेल्स हैं, यहाँ पे सैलरी जमा कराएं, कैश नहीं देंगे आपको, वो चेक दे देंगे, अल्टीमेटली आपको फिर वो जमा कराना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रॉसरी करने जाते हैं, किसी से पैसे का लेन देन है, सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, तो बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब बैंक अकाउंट आप कैसे बनवाएंगे, ऑब्वियसली घर में नहीं बनेगा, ना वो रजिस्ट्री बनेगा, आपको किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाना है बगैर असले के, और सो आई मीन टू से जस्ट डॉक्यूमेंट आपने साथ लेकर जाने हैं, और उसके अंदर आप लैंडिंग पेपर लेकर जा सकते हैं, और पासपोर्ट आप लेकर जाएंगे, और सिम कार्ड है तो वो भी आप बिल्कुल साथ लेकर जाएंगे, आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताया चलूँ, हर बैंक का न्यू इमिग्रेंट्स के लिए पैकेज डील्स हैं, चूज द बेस्ट वन, राइट, आई विल नॉट से कि आप किसी को लूट लें, लेकिन टेक द बेनिफिट, जब आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर हो आप चूज द बेस्ट बैंक विच सूट्स यू एंड गेट द बेनिफिट, बैंक अकाउंट खुलवाइए। आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोबाइल नंबर, इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितने डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट का मैंने आपको बताया, इनको सर्च करने के लिए, इनके एड्रेसेस, इनसे राबता करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए। कोशिश कीजिए कि उसके अंदर जो है वो डाटा के साथ आपने पैकेज में लें, कि डाटा पैकेज ऐसा लें कि डाटा भी आपको मिले ताकि आप इंटरनेट यूज़ कर सकें,
जब हम यहाँ पर लैंड होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास लैपटॉप कंप्यूटर हो, और मे बी कुछ अरसे तक घर के में जो इंटरनेट होता है उसकी फैसिलिटी भी ना हो, तो आपके पास अगर मोबाइल का इंटरनेट है दैट्स ऑल यू नीड। आप उसके थ्रू सर्च करें, जाइए अपने एड्रेसेस सर्च कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, रिक्वायरमेंट्स आप सर्च कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अगेन हर कंपनी के डिफरेंट पैकेजेस हैं, क्वालिटी में फ़र्क है, अगर पैसों में फ़र्क है तो क्वालिटी में भी फ़र्क है। बुरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो आप वो चूज़ कीजिए, वो कंपनी वो पैकेज चूज़ कीजिए जो आपको बेस्ट लगता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक कोई पैसे नहीं दिए, जब तक पैसे नहीं देंगे तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कंपनी की ये पॉलिसी है, क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो वो मेरे पैसे लेके अपने पास रखेंगे, तो हम ये नहीं करेंगे, या कम से कम मैं नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जनाब, पैसों की गेम है, चल रहा है सब कुछ, स्टे कनेक्टेड। हमने आज जो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा और लाइक यू नो हेल्पफुल होगा। जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी देखते रहिएगा, तो मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगा देखने के लिए, सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना पड़ेगा, बेल आइकन पे आपको जो है वो ज़ोर से हिट करना पड़ेगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। मी कॉल सिराज, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय। Subscribe to our channel and hit the bell icon. You can write us your questions and the confusions on in.canada@idealemarketing.net. You will find the link in the description. And thank you very much for watching the video. Stay connected, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Take care. Me call Siraj. Bye-bye.